बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार एक चिकन की रेसिपी, बटर चिकन, और बहुत ही क्विक बनाऊंगी इसको। मैरिनेट करके ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है, पेस्ट नहीं है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी आप बना सकते हैं। मैंने पाउडर यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून ही जिंजर पाउडर है। ओके, अच्छा पिसा हुआ हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून क्यूमन सीड, साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च अगर हो तो डाल लें, बहुत अच्छी बात है, ये भी 1 टेबल स्पून, नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून फुल भर के गरम मसाला। ये सब मैरिनेशन का सामान है जो पहले से चिकन को लगाएंगे। लगाने के बाद फ़ौरन ही मैं इसको कुक कर लूँगी, इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे नहीं मैरिनेट करके। आधा घंटा, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये मैं वो मैरिनेशन बता रही हूँ जो जल्दी से बन जाएगी और लग जाएगी और अच्छी से तैयार हो जाएगी। ये हल्दी पाउडर डाला है मैंने हसबे ज़रूरत, बिल्कुल थोड़ा सा। और पहले भी बताती हूँ मैं आपको कि सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, जितने आप लोगों के घर में यूज़ होता है, किसके घर में कम किसके घर में ज़्यादा, तो प्लीज़ सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लिया करें, कम या ज़्यादा जो पसंद करते हैं आप लोग। तो मैं बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, मेरा तकरीबन 1 टीस्पून है ये। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वाइट पेपर, अगर आपके पास है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, इससे बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है बटर चिकन का। ठीक है, ये हो गया। और ये मेरे पास 4 अदद नींबू है रखे हुए कटे हुए, मैंने कट के रख लिए थे, ये इसमें डालूंगी, इसके बीच मैंने निकाल लिए। ठीक है, ये इसमें निचोड़ लेंगे। और ये जो मटेरियल मैं बना रही हूँ, तकरीबन 900 ग्राम, तकरीबन नहीं 900 ग्राम ही चिकन है जिसका ये मैं बना रही हूँ मैरिनेशन का ये सामान। ये देखें, ये अच्छे से मैंने निचोड़ लिए हैं चारों, 2 थे ये बड़े साइज़ के, अब मीडियम साइज़ के 3 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ लिया। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है दही, और ये मैं ऐड कर चुकी हूँ 2 टेबल स्पून दही। ज़्यादा दही ऐड इसमें नहीं करेंगे क्योंकि दही पानी छोड़ता है और चिकन ज़्यादा सौगी सौगी सा अजीब सा हो जाएगा। अच्छा जी, ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं दही के, इसमें ज़्यादा दही ऐड नहीं करना क्योंकि दही पानी छोड़ता है। और इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, दैट्स इट, बस ये ऐड कर लिए। इसका बहुत ज़्यादा हमने पतला मटेरियल नहीं रखना, इसकी जो मैरिनेशन की ये है हम इसको ऐसे इसी। और अच्छा, मिर्चें अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये वैसे परफेक्ट इसकी मिर्चों की मिकदार है, नॉर्मल सभी खा सकते हैं। ठीक है, अब ये तैयार हो गया, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन। ठीक है, ये मैंने पैन में इसीलिए बनाया था जी कि इजीली इसको कवर करके रखा जा सकेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने धो लिया था, ऑलरेडी डन है धोकर। अब ये आप बोनलेस का भी बना सकते हैं, ये 900 ग्राम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, और आप उसका भी बना सकते हैं बोनलेस का भी। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह इसके अंदर सब लग गया हर तरफ से। अब इसको कवर करके रखना चाहें तो मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, बट मैं इसको फ़ौरन ही पकाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था, ये वो रेसिपी है जो फ़ौरन पक कर भी उतना ही टेस्ट देगी इंशाल्लाह जितना मैरिनेशन के बाद, जो पकने के बाद सालन देता है टेस्ट बटर चिकन। ठीक है, मैं इसको कवर, अभी फ़िलहाल मैं दूसरी तरफ जाने लगी हूँ तो मैं इसको भी फ़िलहाल कवर कर रही हूँ, फिर हम अपना चिकन रेडी करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने अब बटर चिकन का जो बाकी सालन है जो बनाना है वो इसमें बनाऊँगी। अच्छा जी, अब बटर चिकन का स्टेप 2 है, वो स्टेप 1 मैंने बता दिया था, अब बटर चिकन का स्टेप 2 है। स्टेप 2 में सबसे पहले हमने
आँच लगानी है ये ना वो आप भूल जाए। ठीक है जी, ये मैं फ्लेम कर रही हूँ इसका मीडियम, और दूसरी साइड पे भी मैंने स्टॉप ऑन कर लिया है, और इस पे भी मीडियम फ्लेम या स्लो भी रख सकते हैं। और इस पे मैं बटर चिकन का जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये वाला, अब मैं ये इधर रख रही हूँ, ठीक है। और इस पे मैं ऐड करूँगी ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अच्छा, ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ हम ऐड करें, यहाँ भी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं है ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर, क्योंकि ये बटर की रेसिपी है, तो इसमें बटर ऐड ना हो ये कैसे हो सकता है। तो अब इसलिए ऑयल मैंने इसमें ऐड पहले कर दिए, फिर बटर डालो एकदम से तो बटर जलता नहीं है, ये याद रखिएगा। बटर एकदम से गरम पैन में हम डाल दें तो बटर जल जाता है या स्मेल आ जाती है कुछ खाने में। ये देखिए जी, ऑयल भी गरम हो गया हमारा, और इसमें अब मैं डाली हूँ बटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन खाने का बड़ा चम्मच है भर कर, ठीक है, वो ऐड कर लिए। ये जब तक अच्छे से मेल्ट होते हैं, हम साथ डाल देंगे इसमें कटा हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का अनियन, मैंने धो के काट लिया था जी। इसमें डाल रखना है अपनी मर्ज़ी का, पतला पतला जैसा भी काटना चाहिए, मैंने ऐसे चॉप कर लिया था इसको। अब हम इसको गोल्डन कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखा दूँ साथ साथ, ये बटर हो रहा है, वो सॉरी चिकन, चिकन बटर है, ठीक है। इधर ये हमारा स्टार्ट है प्रोसेस। ये देखें जी कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ गया, और कितना मज़ेदार सा तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करने लगी हूँ, ये देखें, ये रेड फूड कलर है। दही में मैंने मिक्स कर लिया था, ये मैं इसके ऐसे कुछ कतरे डाली हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये भरकर, मैंने दही का और फूड कलर का मिक्स कर लिया था, ठीक है। ये हो गया इसमें ऐड, दैट्स इट। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और दूसरी तरफ हमारा ये देखें प्याज से गोल्डन हो गया, अब इसमें मैं टमाटो ऐड करने लगी हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के। ये देखें मैंने ऐसे चॉप काट लिया था, ये ऐड करती हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के। अच्छे से अभी हमें सॉफ्ट करना है टमाटर को, आप कैन के भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेस्ट है इसको, अगर इस तरह अच्छे सॉफ्ट करेंगे इसका अच्छे से टमाटो का टेस्ट भी निकल आएगा, और ये इंशाल्लाह पक के और मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड इसमें टमाटर, और अब हम दूसरी तरफ इसको मिक्स कर लेते हैं फूड कलर को। स्पून मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, और आप भी प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट वो भी रेडी हो गया, और ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर बहुत अच्छा था माशाल्लाह, जो मैं चाह रही थी वैसा ही कलर और वैसा ही सॉफ्ट हो गए माशाल्लाह, ठीक है। अब ये हो गए हैं जी रेडी, अब हम डालने लगे इसमें काजू। काजू मैंने पीस लिए हैं और अच्छे से, तकरीबन ये 14 से 15 काजू हैं जो मैंने पीस लिए हैं ऐसे पाउडर फॉर्म में। ये डाल देंगे इसमें अब, ये ऐड कर दिए, और इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब तकरीबन। और हंसते ज़रूरत सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर लूँ, क्योंकि तो ऑलरेडी इसमें सॉल्ट है, ये ना हो ज़्यादा हो जाए, और बटर मेरा विदाउट सॉल्ट था, ठीक है। और दूसरा मैं ये दोबारा रिपीट कर दूँ, 1 टेबल स्पून योगर्ट लेकर फ्रेश, उसमें मैंने कलर फूड ऐड कर दिया था रेड कलर का, और वो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया था चिकन में, ठीक है। अब मैं इसकी नीचे से स्टॉप ऑफ करने लगी हूँ, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ काजू जो मैंने ऐड किया। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ दूध 3 टेबल स्पून, और साथ क्रीम
पहले ये इसको मैं मिक्स कर लूँ। ये देखें ये अच्छा सा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ क्रीम। क्रीम लिया मैंने फ्रेश और ये तकरीबन 200 ग्राम है। ठीक है, ये मैं ऐड कितनी इसमें ला रखी हूँ। कोई सी पैकेट वाली भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने सारी इसमें यूज़ कर ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। मैं इसमें बचा हुआ जो चिकन है, बचा हुआ तो नहीं, ये जो बनाया था, ये चिकन जो रेडी हो गया, मैं इसको ऐड करने लगी हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखिए चिकन ऐड कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको स्टीम पे रखना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 5 अदद ये ग्रीन चिली, बिल्कुल साबुत है, धो के मैंने ये रख ली थी इसकी। ये देखिए ये मैंने ऊपर से इसकी टॉप भी नहीं अलग की, ठीक है। ये ऐसे करके इसको अब स्टीम पर रख, ठीक है। इसको बंद नहीं करना प्रेशर को फुल, क्योंकि ऑलरेडी चिकन कुक है। बस अब इसको 5 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चिकन हमारा तैयार है। और लो फ्लेम पे प्लीज़, मीडियम फ्लेम पे नहीं। ये देखें जी 5 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह चिकन, बटर चिकन तैयार है। और ये बन के तैयार है हमारा बटर चिकन, ये देखें मज़ेदार सा। खुद भी खाएं, दूसरों को भी बना के खिलाएं, खूब इंजॉय करें इस बटर चिकन को। रोटी के साथ, गरम गरम नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।